नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, वो क्या है चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और न ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 8860-10-40-40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी बीच हमारे एक कॉलर भी जुड़ गए हैं जी। सैज है फरीदाबाद से, आइए स्वागत करते हैं उनका। सैज, बहुत बहुत स्वागत है, और चूंकि आपकी जाहिर तौर पर बहुत सारी परेशानियां होंगी, डॉक्टर चौहान मौजूद हैं, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बताइए क्या पूछना है? सर जी, मेरे ना पेट में दर्द रहता है। पेट में? जी सर जी। कब से हो रहा है पेट में दर्द भाई? सर 3-4 महीने से कंटिन्यू रहता है। खाना खाने के बाद होता है खाली पेट या कोई ऐसा कोई समय जो विशेष? नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है, कभी भी हो जाता है। अच्छा, और दर्द कैसा जो है, बहुत धीमा है, मध्यम है, बहुत तेज होता है? सर किसी भी कंडीशन में हो जाता है, कभी धीरे भी होता है, कभी तेज भी हो जाता है। तो कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया आपने? नहीं सर, अभी तक चेक नहीं करवाया अभी, मतलब। अच्छा, देखिए, क्योंकि देखो सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है, अल्ट्रासाउंड बहुत सरल सी एक परीक्षण है, कराना चाहिए। कभी कभार कोई अंदर सूजन है या कोई और चीज़ है, आजकल बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिनके जो है आंतों में इन्फ्लामेशन हो गया है, कोलाइटिस हो गया है, और यहाँ तक के कई जगह आंतों में स्ट्रिक्चर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, बहुत पेशेंट जीवा में आते हैं और बड़े अच्छे इलाज हम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पहले भी हम कितने एपिसोड ऐसी बीमारियों पर कर चुके हैं, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि आपने 3-4 महीने ऐसे ही बिता दिए। जब आपको मालूम है, आप संजीवनी देखते हैं, आप संजीवनी दर्शक हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि शरीर में कहीं भी छोटा मोटा कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप जो है हमारे सेहत के नंबर पर ज़रूर कॉल करिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप शुरू में आएंगे, जल्दी आएंगे, तो बहुत जल्दी रोग ठीक होता है। जितना पुराना हो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, फिर हमारे लिए भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक तो हो जाता है लेकिन टाइम बहुत लंबा लगता है। तो आपका पेट दर्द जो है वो अपच से है, एसिडिटी से है, गैस से है, इन्फ्लेमेशन से है, ये पता लगाना ज़रूर होगा और उसके बाद ही उसकी चिकित्सा शुरू करेंगे। लेकिन छोटा सा नुस्खा है, ट्राई करिए, उससे डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत अजवाइन आपकी रसोई में होती है, अजवाइन आधा चम्मच और थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा एक गिलास पानी में उबाल दीजिए अच्छी तरह। जब आधा गिलास बचे उसको छान लीजिए, एक चुटकी काला नमक चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी इसमें निचोड़ लीजिए। ये पानी आप पिए गुनगुना, उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये तो एक नुस्खा है, केवल आपको नेचुरल रेमेडीज से, आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। प्रॉपर उपचार, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, वो हमेशा आप आयुर्वेदिक जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके जो वो बताएंगे वही ऑथेंटिक आयुर्वेद इलाज है और वही जीवा में आपको हम प्रदान करते रहते हैं, वही आपको जीवा में उपलब्ध होता है। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनू जबलपुर से। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी सोनू जी। मैं बताना चाहूंगा सर, मेरा जो प्रॉब्लम है ना, ये ब्रेन ट्यूमर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर? हाँ जी। अच्छा, कब डिटेक्ट हुआ है? अभी इसको 1 महीना पहले ही अभी इसको रिपोर्ट
टेस्ट। अच्छा देखिए आप बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो थोड़ा सा जो है, कई बार ऐसे रोग आते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं, कई बार बहुत नेगेटिविटी आपके माइंड में आ सकती है, रोग ऐसा है नाम सुन करके भी। तो जबलपुर में जीवा की क्लिनिक है, और सबसे पहले तो ऐसे जो केसेस होते हैं तो हमारे यहाँ जीवा में हमने एक सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम हमारा चलता है। सुपर स्पेशलिटी का मतलब हमारे जो मोस्ट सुपर सीनियर जो डॉक्टर्स हैं और जो अलग अलग रोगों के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे ट्यूमर आपको हुआ है तो हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो ट्यूमर या ग्रंथि गांठ या कैंसर के पेशेंट्स को देखते हैं। क्रॉनिक किडनी का केस अगर है, लिवर सिरोसिस यदि आपको हो गया है, आपको कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज, अगर ऐसी कोई भी रोग हो, मोटर न्यूरॉन डिजीज आजकल हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, तो आपको कॉल करके केवल इतना बताना है कि सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम उसमें आपको एनरोल कराना है, बस इतना बोलिए, आगे आपको सारा डिटेल बताएंगे। और उस टीम में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, मैं भी उनके साथ काम करता हूँ, और पेशेंट से एक बार मेरी भी कंसल्टेशन या बातचीत उनके साथ अवश्य होती है। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम तुरंत एनरोल करिए, घबराना नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, उनका उपचार हम करते हैं, आपका भी उपचार करेंगे, और बिल्कुल आपको थोड़ा सा हम जो बार बार जो बताते हैं कि अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड, मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन तो आज से शुरू कर दीजिए। ये पूरे जो हमारे मल्टी डायरेक्शनल जो अप्रोचेज हैं डिजीज़ को अटैक करने के, ये केवल आपको जीवा में मिलेगा। आयुर्वेदिक इलाज तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन एक चारों तरफ से चार पांच एक्सपर्ट की टीम जब आपके साथ काम करती है, उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, हमने भी ये देखा है। और आपको भी हम यही सुझाव देते हैं बार बार कि जो हमारे आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, या हमारा जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, और डिफ़िकल्ट रोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप अवश्य एनरोल करें। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं पायल दिल्ली से। जी। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए, क्या परेशानी हो रही है? हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी मदर की है। जी। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथों में ना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? उनके हाथों में मतलब उनके हाथ ओपन नहीं होते पूरे। अच्छा, अकड़ जाते हैं। बनी हुई है। हाँ, अकड़े। अच्छा, हुए गांठ भी, गांठ भी बन गई है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये लक्षण तो गठिया के हैं, गठिया में अकड़ाहट भी होती है, और साथ में जो उंगलियों के जो जोड़ होते हैं या कहीं भी जोड़ों में जहाँ गठिया होता है वह गांठें बन जाती हैं, आगे चल के कई बार उंगलियाँ टेढ़ी भी होने लगती हैं। तो रोग तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे यहाँ तो डिफ़िकल्ट लोग ही आते हैं, और सब लोग जो है हमारे यहाँ जो आते हैं वो उनका अगर आप देखें, आप आजकल तो रिव्यू देख सकते हैं, आप गूगल में जाके देखिए, आपको मिलेंगे कि किस तरह से जीवा में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रोगों का उपचार भी आयुर्वेदिक तरीके से, होलिस्टिक तरीके से किया जाता है। आपकी मदर को ज़रूर मैं एडवाइज़ करूँगा कि पंचकर्म चिकित्सा अवश्य उनको लेनी पड़ेगी, और पंचकर्म हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है, ओपीडी बेसिस पर करा सकते हैं। उसके साथ साथ पंचकर्म का जो मेन, अगर आपको जो है असली एक फ़ायदा चाहिए, तो एक बार जीवाग्राम उनको अवश्य भेज दीजिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जीवाग्राम में आजकल जो है इंश्योरेंस आपकी जो अगर है मेडिकल इंश्योरेंस, तो रिम्बर्स है, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी भेजिए, क्योंकि कई जो डिफ़िकल्ट रोग हैं उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा उतनी महंगी नहीं होती जितना कि आप दूसरे उसमें जाएंगे। कई बार सर्जरी करानी पड़ती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसमें बहुत लाखों का खर्च होता है, तो उतना नहीं है। आपको चार पाँच महीने डेफिनेटली लग करके इलाज करना होता है, और उसमें मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूँ कि जो रूट कॉज अगर जब चिकित्सा उसकी होगी तो आराम उनको बहुत जल्दी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जीवा में संपर्क करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका कराइए। और अब हमारे साथ हैं साक्षी फरीदाबाद से। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी सर, मैं साक्षी फरीदाबाद से। एक्चुअली मुझे सर दर्द की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, और टेंशन नर्व की भी। टेंशन भी रहती है? हाँ जी। किस चीज की टेंशन है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ओवरथिंकिंग, लाइक किसी भी चीज को लेकर चीजों को डीपली से सोचना, मतलब ऐसे होता है कोई भी छोटी। देखिए, बहुत कॉमन समस्या है आजकल ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और इसका अगर मूल में जाएं, हम जड़ में जाएं, तो बहुत ही एक
गहराई से हम इस पर अध्ययन करते हैं जीवा में, तो हर बीमारी पर वो मूल कारण है कि हमारा माइंड जो है वो उसको शांति नहीं है, रिलैक्स नहीं है, एजिटेटेड माइंड, राजसिक माइंड अगर टेक्निकल उसमें कहें। जब मन रजोगुण से जो है वो प्रभावित होता है तो वो थिंकिंग करता है, फास्ट थिंकिंग करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है। और कारण क्या है रजोगुण का, माइंड को रेस्ट ही नहीं देते, कॉन्टिन्यूसली माइंड को हम एजिटेट करते हैं, कभी मोबाइल से, कभी टीवी से, कभी कंप्यूटर से, कभी और कुछ से, हमेशा कुछ ना कुछ। थोड़ा सा टेक ए लिटिल ब्रेक, थोड़ा सा आराम से शांति से कभी कभार माइंड को रिलैक्स करिए, जीवा मेडिटेशन अवश्य करिए रोज़, बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर में मालिश करिए, नाक में तेल डालिए, इसी से आपके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो वायु घूम रही है वो शांत होगी, वायु घूम होगी, शांत होगी तो आपका ब्रेन भी शांत होगा। और मैं तो आपको कहूँगा जीवा के क्लिनिक में जाइए, जहाँ भी आसपास, तो आप तो फरीदाबाद में ही हैं, आप आ जाइए, 4-5 दिन शिरोधारा और नस्य चिकित्सा आपकी करेंगे, बहुत बढ़िया, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, थिंकिंग भी बंद होगी, साथ में आपको जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट, बहुत बढ़िया। आजकल स्ट्रेस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, स्ट्रेस फ्री केवल उन्हीं को नहीं लेना है जिनको तनाव रहता है। जो लोग रोज़मर्रा का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वर्क प्रेशर है, वो भी स्ट्रेस फ्री अवश्य लें, क्योंकि ये एक दवाई नहीं है, ये आपका एक ब्रेन टॉनिक है। नींद नहीं आती तो स्लीप वेल ले लीजिए, वो भी एक टॉनिक है, ये सब टॉनिक है, नाम इनके रखे हैं हमने इस तरह के, लेकिन कोई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक तरह से रिजुविनेशन, यानी कि आपके ब्रेन मस्तिष्क को थोड़ा सा नरिश करने के लिए ये फॉर्मुलेशन हमने बनाए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, पूरी दुनिया में लोग प्रयोग करते हैं इसका। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे, तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। सुमन है सोनीपत से, सुमन बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। तो मेरे को ना छोटी छोटी बात पे रोना आता है। अच्छा, तो क्या कोई तकलीफ चल रही है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम या घर में कोई? सर में दर्द होता है ना, मैं रोना नहीं चाहती, फिर भी मेरे को आँख में से ना आंसू निकल जाते हैं। नहीं, एक तो सर दर्द के कारण रोना आता है, वो तो दर्द के कारण हुआ, लेकिन अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, मन दुखी रहता है, मन उदास रहता है, या कई लोग इमोशनल होते हैं बाई नेचर, वो कई बार मूवी देख रहे हैं उसमें कोई ऐसा सीन आ जाए तो रोने लगते हैं, या फिर जो है कोई ऐसे किसी को देख लें तो जिसके साथ कुछ वैसी बुरा व्यवहार हो रहा है, या कोई व्यक्ति इस तरह का लाचार व्यक्ति है तो उनको देख करके रोना आ जाता है। कुछ लोगों को मंदिर जाते हैं भगवान को देख करके भी रोना आता है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूँ कि ऐसी अगर आपकी कोई भी ऐसी शिकायतें हैं जो आपके माइंड से रिलेटेड हैं तो उसको निगलेक्ट मत करिए, और कभी भी माइंड के रोग में कोई ऐसी गोली मत लीजिए जो आजकल दी जाती है, जिससे माइंड थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा सा नींद आ जाती है, वो आपको एक बार शुरू हो गई तो पीछा छोड़ना मुश्किल है उसका, वो एडिक्शन हो जाता है। हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ मानसिक रोगों का उपचार आयुर्वेदिक तरीके से होता है, थेरेपीज भी होती हैं, माइंड वेलबींग कोचेज हैं, बहुत अच्छे योगाचार्य हैं जो योग मुद्रा, योग निद्रा और कई तरह के मेडिटेशंस के माध्यम से आपके माइंड को वो शांत करते हैं, नरिश करते हैं। एंड फाइनली अगर आप जीवाग्राम में आएंगे तो आप देखेंगे एक पूरा होलिस्टिक हीलिंग एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। काफ़ी सारे लोग तो अब जीवाग्राम में केवल इसलिए आते हैं कि वहाँ उनको एक एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, कुछ लोग तो 4-5 दिन आके बस रह जाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया, बट द होल एटमॉस्फेयर, खाना पीना, वहाँ का पूरा एक दिनचर्या, वो उनको एक रिजुविनेट करती है, एक तरह से एक शक्ति उनको मिलती है वापस, और फिर अपने जब रोज़मर्रा के काम में जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है। तो आप भी एक बार जीवाग्राम अवश्य आएं और इस एक्सपीरियंस को ज़रूर अपने उसमें आचरण में ला करके
और इसका फ़ायदा आपको सेहत पर, सेहत के हर लेवल पर होगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इवन आपका प्रोफेशनल, जो जो भी आप प्रोफेशन में हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। एक बार जीवाग्राम अवश्य आइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका, आपने आज भी हमारे तमाम दर्शकों को वो रास्ता बताया जिससे कि उनके जीवन में जाहिर तौर पर ना सिर्फ लाभ होगा बल्कि स्वस्थ भी वो रह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jeevaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।